students, welcome to part 2 of chemical bonding and molecular structure. Part 1 mein yani ki pehle lecture mein humne seekha ki a chemical bond kya hota hai. You all know that a chemical bond is just law. It's a force of attraction that holds certain species together. It can be force of attraction between atoms jisse bante hain aapke molecules which can be discrete aur uske alawa bante hain aapke network solids jaise ki diamond aur quartz. It can also be a force of attraction between ions. Wahan pe bante hain aapke three-dimensional ionic crystals. It can also be force of attraction between kernels and free electrons, as is the case with metals and alloys. ठीक है? इसके बाद हमने आपसे हमने वहाँ पे discuss किया कि bond क्यों बनता है. तो any one of you can tell me now that during bond formation, ये जो bond होता है, ये होता ही force of attraction है. And whenever there is attraction, there is release of energy. और जब energy release होती है, तो system की energy कम होती है. और हर system चाहता है कि वो lowest possible energy level पे पहुँच जाए, क्योंकि stability और energy का जो relationship है, वो inverse है. तो bond बनने से energy release होती है, system की energy कम होती है, उसकी stability बढ़ जाती है. ठीक है, फिर हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया कि अर्लियर अप्रोच क्या था बॉन्डिंग का. वहां पे हमने देखा कोसल और लिविस ने नोबल गैसेस को देखा और बोला कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट. उन्होंने बोला कि हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, यानी कि उसके आखिरी वाले शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाए. और इसका उन्होंने तरीका भी बोला कि इसके दो तरीके हैं. Either there will be transfer of electrons, transfer का मतलब है एक lose करेगा एक gain करेगा, or there will be sharing of electrons, यानी कि दोनों atom जो bond formation में हिस्सा लेंगे, इनमें से कोई lose नहीं करेगा, कोई gain नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ अपने electrons को share करेंगे, ठीक है ना? तो इसके अलावा हमने बोला कि जब atoms के बीच में bond बनता है, वो covalent bond होता है, जब ions के बीच में bond बनता है, वो ionic bond होता है, और जो kernels और free electrons के बीच में metals के अंदर bond बनता है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं. हमने लिविस ऑक्टेट थ्योरी बोला जो ये बोलता है कि हर एक एटम की टेंडेंसी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए. तो ये सब बातें हमने अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की. नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक टुडेज लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन द आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा एक एनालॉगी समझे. देखो एक बात इन एलिमेंट्स के बारे में आप जरूर याद रखिए, इनके बारे में समझिए कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं 118 इन नंबर, दे बिहेव लाइक अस, दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स इन मेनी रेस्पेक्ट्स. ठीक है ना? जैसे कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अमीर होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, वो चैरिटी देते हैं, जकात देते हैं. ठीक है ना? और उनसे उसको उनको खुशी मिलती है, खुशी का मतलब है वो स्टेबल हो जाते हैं. तो दूसरे साइड से ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो काफी गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए चीजें नहीं होती. ठीक है, तो जब ये अमीर इनको पैसा दे देते हैं तो ये अपनी जरूरत पूरी कर देते हैं, वो भी स्टेबल हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं. ठीक है ना? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो ना किसी को देते हैं और ना ही किसी से कुछ लेते हैं. ठीक है ना? दे आर स्टेबल विद देमसेल्व्स. ऐसे ही आपके एलिमेंट्स के भी, एलिमेंट्स की भी तीन कैटेगरीज हैं. एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरी कैटेगरी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स की, और एक कैटेगरी है जो ना देते हैं ना लेते हैं, दे आर लाइक इनर्ट एलिमेंट्स या फिर नोबल. ठीक है, तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स होंगे वो सारे इन्हीं तीन कैटेगरीज के होंगे. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज ही, पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव. ठीक है ना? तो ये वो चीजें होंगी, इफ एक्स इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक्स इज एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है. इसका मतलब ये हो गया कि ये इसकी टेंडेंसी है कि ये बनाएगा एक पॉजिटिवली चार्जेड कैटायन. ये जरूरी नहीं है कि ये मोनोवैलेंट हो. फॉर एग्जाम्पल वाई, इट्स एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि ये पॉजिटिवली चार्जेड आयन बनाए. मे बी इट इज अ डाइवेलेंट आयन. ठीक है ना? सो व्हाट आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स? ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्जेड आयन्स और कैटायन्स. अब आप बोलोगे कि एक्स एक्स पॉजिटिव कैसे बना?
Very simple, by losing electrons. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो x पॉजिटिव बनेगा, y जब एक दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ये दो पॉजिटिव बन जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर ए बॉन्डेड एटम, ठीक है ना? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. यहां पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इन जनरल जब हम बोलेंगे सम एलिमेंट एस is for example electronegative, what does that mean? That means this has a tendency to form a negatively charged ion. For example, there is any element like F, fluorine. If it is electronegative, what does that mean? That means it has a tendency to form negatively charged ion. So, kaise banega negatively charged ion? Jab ye ek negatively charged particle ko accept karega, yani ki electron ko. Theek hai na? For example, there is some other ion like some other atom like oxygen or sulfur. ये सल्फर या ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा सो इट विल आल्सो बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायन. ठीक है ना? द एलिमेंट्स दैट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स दे विल बी नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव. दोज एलिमेंट्स दैट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स और कैटायन्स दे विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे नोबल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हीलियम, इट विल नाइदर लूज नॉर गेन. ठीक है? देयर इज नियॉन, इट विल नाइदर लूज नॉर गेन. ठीक है ना? तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं. अब हमें ये भी पता है दुनिया में जो लोग होते हैं क्या सब अमीरों की टेंडेंसी देने की बराबर होती है? आंसर इज नो. क्या सब गरीबों की टेंडेंसी है लेने की बराबर? आंसर इज नो. कुछ गरीब तो छीन के लेंगे आपसे, कुछ लोग सिर्फ मांगते हैं, आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, राइट? फिर वो कहीं और जाते हैं मांगने के लिए. इसी तरह आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आप आगे भी देखोगे या फिर आपने देखा होगा इन यूर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ लोगों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज्यादा होती है. ठीक है ना? लाइक योर हैलोजन. और कुछ लोगों की या कुछ एलिमेंट्स की टेंडेंसी बहुत होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, जैसे कि आपके अल्कली मेटल्स, राइट? तो अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयन्स कैसे बने. फॉर एग्जाम्पल अब कंसिडर करो सोडियम को. ठीक है? आपने सोडियम देखा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा. फॉर एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स 281, जो एक्चुअली है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो 281 समझने के लिए हमने आसानी के साथ इसको लिख दिया. अब हम आपसे पूछेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है. अब बोलोगे 11. मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या हुआ. अब बोलो इसका मतलब हुआ कि इसके पास 11 प्रोटॉन. तो उन 11 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? प्लस 11. सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2, 8, 10 और 1, 11. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11. उनका चार्ज कितना होगा? -11. टोटल चार्ज कितना है? 0. दैट इज द रीजन व्हाई हम सोडियम के ऊपर ना पॉजिटिव लिख रहे हैं ना नेगेटिव लिख रहे हैं. अगर मैं कहूंगा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सो इट हैज लॉस्ट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2, 8. इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 10. क्या प्रोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ा? आंसर इज नो. प्रोटॉन्स कितने अभी भी? 11. तो उनका चार्ज कितना होगा? प्लस 11. ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन्स का 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? -10. तो कितना चार्ज यहां पे बचा? +1. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम सोडियम पॉजिटिव. ठीक है ना? लॉजिकली भी आप सिंपली इसको अगर सोचने की कोशिश करेंगे, सोडियम न्यूट्रल है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को लूज कर रहा है, न्यूट्रल है, नेगेटिव को लूज करेगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, वो पॉजिटिव इसके ऊपर दिखेगा. अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम है या कैल्शियम, ठीक है ना, या बेरियम. मैग्नीशियम लेते हैं हम, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 12 प्रोटॉन. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन. इसके पास 12 प्रोटॉन्स है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है. ठीक है ना? इनका चार्ज कितना होगा? +12. इनका चार्ज कितना होगा? -12. टोटल चार्ज 0. अगर ये मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, ठीक है ना, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इसके पास प्रोटॉन अभी भी 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. टोटल चार्ज कितना बचेगा? +2. तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. ठीक है ना? तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है, मैग्नीशियम गिव्स
मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हम इस सब को एक सिंपल सा जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे, उनकी रिएक्शंस कुछ ऐसी होती हैं। इफ एम या ई इज एन एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है ना, इट गिव्स ई एन पॉजिटिव, वेयर एन कैन बी 1, 2, 3, ई पॉजिटिव, ई 2 पॉजिटिव, ई 3 पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव, ठीक है ना। मोस्टली 2 तक होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स के केस में काफी ऊपर भी जा सकता है। प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली वो उतना ही पॉजिटिव होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 2, 8, 7, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 17, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, आप बोलोगे 17, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो गया, प्लस 17, टोटल चार्ज ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो -17, ठीक है ना। दिस चार्ज इज ऑफ कोर्स नॉट इन कोलम्स, यहां मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 नेगेटिव है और एक प्रोटॉन का चार्ज 1 पॉजिटिव है, ओके। तो ये यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, 0। अगर इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कहीं से, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बचेगा वो क्या बचेगा, 2, 8 and 8, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स अभी भी इसके पास कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स, इनका चार्ज कितना होगा, प्लस 17, इनका चार्ज कितना होगा, -18, तो टोटल कितना बचेगा, प्लस 17 माइनस 18 इज -1, तो यहां पे क्या चीज बन जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही नेगेटिव बनेगा। लॉजिकली भी बहुत ही आसान है समझना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सल्फर है, आर्बिट्रेरी जल्दी जल्दी से करते हैं, आपको बोलेंगे ये सल्फर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, ये कैसा है, न्यूट्रल है, इसने क्या एक्सेप्ट किया, नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल को, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कितने नेगेटिव बनेगा, जितना उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, जितने नेगेटिव पार्टिकल उसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां पे आपका सल्फाइड आयन बना, ठीक है ना। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने देखा कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, यानी कि आपके जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और आपके नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। नाउ लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को जो डिस्क्राइब करने का काम था वो किया कौशल ने, ठीक है ना। कौशल ने क्या नोट्स किया, उसने देखा पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके जो सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, फ्रेशियम इज रेडियोएक्टिव, और आपके जो सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिक, ठीक है ना। इनके बीच में सिर्फ एक एलिमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, राइट, और आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके बीच में जो एलिमेंट आता है एटॉमिक नंबर 10 वाला, दैट इज नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 17 इज ऑफ फ्लोरीन, 18 इज आर्गन एंड देन 19 इज पोटेशियम। ये जो 19 वाला ये कैसा है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये जो 11 वाला ये कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है ना। पहले हम सोडियम को लेके चलते हैं, सोडियम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 10 कैसा है, इट्स अ नोबल गैस। एटॉमिक नंबर 9 कैसा है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, इनफैक्ट मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना।
ठीक है। तो इन्होंने देखा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है हैलोजेंस और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है अल्कली मेटल्स, दे आर जस्ट सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस कौन है? वो है जो हर जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। दे आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ ऐसे देखा, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये किसके जैसा बनना चाहता है? नियॉन के जैसा। ये किसके जैसा बनना चाहता है? नियॉन के जैसा। हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल के गैस के जैसा बनना चाहता है। नियॉन में स्पेशल क्या है वो उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6 इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, ns2 np6। तो 2s2 2p6 जो है स्टेबल है। आपका जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-7, और आपका जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-8-1। इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p5। तो 2p6 बनने के लिए इट हैज टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और सोडियम का 2-8-1, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो 2s2, 2p6 बनने के लिए इसको 3s का इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो क्वेश्चन ने बताया कि ऐसा ही होता होगा, ठीक है ना। बोला कि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की दूरी पे हैं विद रेस्पेक्ट टू नियॉन, लेकिन इनकी दूरी अलग किस्म की है। फ्लोरीन के पास एक कम है और सोडियम के पास एक ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बनेगा नियॉन के जैसा, वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन करेगा, फ्लोरीन जब गेन करेगा वो भी बनेगा नियॉन के जैसा, इस तरह से दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या उन्होंने बोला, ये आपके पास सोडियम है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है 2-8-1, ठीक है। और ये आपके पास फ्लोरीन है, इसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं वो 7 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है 2-7, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये लूज करेगा और इसको दे देगा, ठीक है। जब लूज करके इसको दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, 2-8, क्या ये स्टेबल हो गया? आंसर इज यस, इट हैज नाउ अ कंप्लीट ऑक्टेट, इट्स आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या ये सोडियम ही रहा? आंसर इज नो, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने सीखा व्हेन एनी स्पीशीज एनी एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? फ्लोरीन ने। फ्लोरीन ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये कैसा बना? 2-7 से 2-8 बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इलेक्ट्रॉन आपके सोडियम ने जो लूज किया। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या ये फ्लोरीन ही रहा? आंसर इज नो, इट बिकम्स फ्लोरीन नेगेटिव, यानी कि फ्लोराइड आयन। अब ये क्या है? ये कैटायन और एनायन है, विल दे अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट? आंसर इज यस, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। दिस इज सोडियम पॉजिटिव, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और वो है फ्लोराइड आयन, इसको ऐसे लिखेंगे। एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और इन अदर वर्ड्स दे विल बी हेल्ड टुगेदर, ठीक है ना। अब ये जो नाउ दैट दे आर हेल्ड टुगेदर, व्हाट इज होल्डिंग देम टुगेदर? इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो जो अपोजिटली चार्जेड आयन्स के बीच में होता है, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ने समझाया, एक आयोनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेड आयन्स। बोला कि कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, उनको गेन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है ना। जब एक लूज करेगा वो कैटायन बनेगा, दूसरा गेन करेगा वो एनायन बनेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल बी हुक्ड टुगेदर। अब यहां पे देखिए, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल वी कैन नॉट ब्रिंग सोडियम इन द क्लासरूम, कैन वी? वी कैन नॉट ब्रिंग ए क्लोरीन एटम, बट व्हाट वी कैन ब्रिंग समथिंग दैट अट्रैक्ट्स इज अ मैग्नेट। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इनफैक्ट हमारे पास दो है। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैग्नेट को आप देखिए एंड यू कंसिडर इट एज सोडियम, दिस इज अ सोडियम एटम, राइट। और इस बार मैग्नेट को आप देखिए एंड कंसिडर इट दैट इट्स अ क्लोरीन एटम।
जब ये इसके नजदीक जाएगा, अब देखिएगा इसको बहुत ही अच्छे से शार्पली, जब इसके नजदीक जाएगा सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, जो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटा है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको क्या दिखेगा कि दे विल अट्रैक्ट फाइनली, एंड व्हेन दे विल अट्रैक्ट दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। लेट अस सी, ये क्लोरीन सोडियम के नजदीक जा रहा है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड दे हुक टुगेदर, ठीक है ना। अब मैं दूसरे वाले को पकड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो एक ही को पकड़ रहा हूं, लेकिन दूसरा वाला इसके साथ आ गया, ठीक है ना, दे आर हुक टुगेदर नाउ, ठीक है। अब आप ये भी समझते हैं, अब हम आगे देखेंगे इसको कि एक्चुअली सोडियम जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में क्लोरीन को अट्रैक्ट नहीं करेगा हर डायरेक्ट, क्योंकि ये सोडियम पॉजिटिव बनेगा तो ये क्लोराइड नेगेटिव को हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा, व्हेन दे विल बी ऑल हुक टुगेदर, ठीक है ना। वी विल सी दैट लेटर ऑन, फॉर नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे पहले आपको आयनिक बॉन्डिंग के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये हम समझने के लिए सिर्फ एक एटम, सॉरी सिर्फ एक एक आयन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना, या सिर्फ एक एक एटम लेते हैं फिर उनसे आयन्स बनाते हैं सिर्फ समझने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज सोडियम आयन, ठीक है ना, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन को, ठीक है ना, या किसी भी आयन आयन को, किस डायरेक्शन में करेगा। देखो एक आयन जो होता है इसका एक स्फेरिकल फील्ड होता है, तो इसके साइज पे डिपेंड करता है, और एनायन इनकमिंग एनायन के साइज के डिपेंड पे, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि ये कितने एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव, क्या ये क्लोरीन को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, आंसर इज यस। क्या यहां से भी अट्रैक्ट करेगा, आंसर इज यस, इक्वली प्रोबेबल। क्या इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, इक्वली प्रोबेबल, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक क्लोराइड आयन आ गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, एक क्लोराइड इधर है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा स्पेस में, एक क्लोराइड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है ना। उनमें से एक क्लोराइड को हमने यहाँ पे रखा हुआ, ये इसने सोडियम को अट्रैक्ट किया इस साइड से, क्या ये किसी और साइड से सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली हर एक साइड से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, और यहां से भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास सोडियम है, वो भी क्लोरीन को हर साइड से अट्रैक्ट करेगा, तो थ्री डायमेंशन में देयर विल बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड मिलियंस ऑफ आयन्स दैट विल बी बाउंड टुगेदर थ्रू दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि आपके आयनिक बॉन्ड्स जो हैं, दे डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। वहां पे कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं बनते कि NaCl एक मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा कभी नहीं होता, NaCl इज नॉट ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एक क्रिस्टल बन जाता है, एक थ्री डायमेंशनल लैटिस बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें मिलियंस ऑफ आयन्स होते हैं और उनमें कैटायंस और एनायंस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए एक छोटे से मॉडल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इमेजिन करो ये जो सिल्वर कलर है, बिकॉज आपके जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, तो हम मान के चलेंगे सिल्वर कलर जो है आपका सोडियम है, ठीक है, और बाकी जो आपके पास ग्रीन कलर है वो क्लोरीन है, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे इस वाले जो बीच में सोडियम क्लोरीन एटम है उस पर फोकस करें, या फिर आप इस पर फोकस करिए, ठीक है ना। ये आपका सोडियम है, इसने क्लोरीन को यहां से अट्रैक्ट किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया है, ठीक है ना। पांच को तो आप देख सकते हो, ये एक्सटेंड इस डायरेक्शन में भी होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे भी, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो इस क्लोरीन को आप देखिए, सोडियम यहां से, यहां से, यहां से, नीचे से, इस तरह ऊपर से भी होगा, आगे से भी होगा, समझ रहे हो। तो हर डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से इस टाइप की एक चीज जो है आपके पास दुनिया में बन जाती है, विच इज नोन एज एन आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है ना। तो क्या आयोनिक कंपाउंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आंसर इज नो। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में। कितने टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपको 12th में पढ़ना है इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है ना। अभी के लिए आप ये याद रखेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स या आयोनिक बॉन्ड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे वो सारी बातें जो हमने अभी तक सीखी। हमने क्या बोला, एक व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, ठीक है ना, इन एन आयोनिक क्रिस्टल। एक आयोनिक क्रिस्टल के अंदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। हाउ इज इट फॉर्म्स, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयन्स। तो पहली बात हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में लिख सकते हैं, दैट इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है ना, कहां पे, इन एन आयनिक क्रिस्टल और इन एन आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो आप, ठीक है ना, आयनिक मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं बनाते। दूसरा,
How is it formed? What does it involve? It involves complete transfer of ions. It involves complete transfer of electrons rather. ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक? दो तरह के एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहां से? जितने इसके पास ज्यादा होंगे, यहां पे कितने एक्सेप्ट होते हैं? जितने इसके पास कम होंगे, और द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तीसरी बात आप समझ सकते हो यहां पे कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट थिंग कि जब कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे आयोनिक क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है ना। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, यहां हमारे पास एक आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना। इस क्रिस्टल के अंदर आप देख सकते हो देयर आर थाउजेंड, देखो क्योंकि आयन्स मिलियंस में है तो इसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो भी मिलियंस में होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करें, सोडियम क्लोराइड में इफ वी टेक वन मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन्स, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है, ठीक है ना, वन नहीं लिखा जाता, अगर टू लिखेंगे तो उसका मतलब वो टू मोल। तो यहाँ पे वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे, देखिए सॉरी सोडियम पॉजिटिव आयन लेंगे इन द गैसियस स्टेट, और एक मोल लेंगे क्लोराइड आयन का इन द गैसियस फॉर्म। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ठीक है ना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आयनिक कंपाउंड्स के बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, व्हाट्स अ बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले लेक्चर में हमने सीखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होता है इट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, इट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो यहां पे कितने सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे? इफ देयर आर वन मोल ऑफ कैटायंस एंड वन मोल ऑफ एनायंस, यू कैन इमेजिन कि वहां पे कितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना। तो उनकी वजह से देयर विल बी द रिलीज ऑफ एनर्जी, राइट, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नोन एज लैटिस एनर्जी। तो यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है ना, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड और वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल। लेकिन आपके जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये नहीं कि आप कैटायन सॉलिड या लिक्विड बोलो। आपका जो कैटायन होगा गैसियस फॉर्म में, आपका जो एनायन होगा वो गैसियस फॉर्म में। जब ये गैसियस आयन एक दूसरे के साथ मिलकर वन मोल ऑफ एक आयनिक सॉलिड बनाएंगे, वहां पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्यों रिलीज होगी? क्योंकि जब वो आयनिक सॉलिड बनाएंगे तो वहां पे आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, बहुत सारे इंटरैक्शंस होंगे, बहुत सारे इंटरैक्शंस होंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। उस एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी। सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? इट्स द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल, वन मोल, ठीक है ना, वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल और एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्मड From its constituent ions, अपने आयन से बनेगा, ठीक है ना, in their gaseous state. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, one mole of sodium chloride has been formed from its ions in their gaseous state. ये खुद solid बनता है, तो इस यहाँ पे जितनी energy release हुई होगी, उसको बोलते हैं lattice energy और lattice enthalpy, which is generally given by delta HU. और क्योंकि energy released है, जब भी energy release होती है, अब को जो डेल्टा एच यू यानी कि जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है एनर्जी रिलीज के टाइम पे वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा आगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो लैटिस एनर्जी जब हम कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैट्स तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हमें लैट्स को ब्रेक करना है, एक सॉलिड को ब्रेक करना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है ना, उस टाइम पे हम कौन सी एनर्जी, उस टाइम पे जो लैट्स एनर्जी होगी, लैट्स एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए क्रिस्टल लैट्स, ठीक है ना। एक मोल ऑफ क्रिस्टल लैट्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी दैट्स ऑल्सो लैट्स एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करना है, उस टाइम पे आपको आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा, वहां पे आयन्स बनेंगे, फिर वो डिजोल्व या सॉल्वेटेड स्टेट में रहेंगे, समझ रहे हो। तो वहां पे लैट्स को ब्रेक करना है, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। लेकिन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं,
जब ये फॉर्म हो जाएगा तो आयन्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बहुत, जब अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स दैट विल बी नोन एज योर लैटिस एनर्जी. ठीक है ना. नाउ वी विल कम टू द एनर्जेटिक्स पार्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड. हम देखेंगे कौन कौन सी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है और क्या हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा. क्या हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल, हमने एल्यूमिनियम लिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हमने क्लोरीन लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, किन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड बनता है, किन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन. राइट नाउ वी विल सी व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कि कब एक आयनिक बॉन्ड बनेगा. ठीक है ना. आयनिक बॉन्ड को बनने में कौन सी कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस है और कौन सी कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस. तो सीधी सी बात है, पहली बात तो है कि ये बनेगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में. तो फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी, देयर मस्ट बी अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है ना. एक आयनिक कंपाउंड के बनने में, एक आयनिक क्रिस्टल के बनने में जो दो स्पीशीज इन्वॉल्व है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा दूसरा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर भी डिफरेंस कम हो जाएगा और उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कि एक आयनिक बॉन्ड बना सके. तो अब आप एक पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हो, आपका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप है वो हैलोजन्स का है. ठीक है ना. तो बेस्ट एनायंस कहां से आपको आएंगे, आपके हैलोजन्स से आएंगे. और आपका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला ग्रुप है वो कौन सा है, वो अल्कली मेटल्स वाला ग्रुप है. तो सबसे बेस्ट मेटल्स या सबसे बेस्ट आपको कैटायंस कहां से आएंगे, अल्कली मेटल्स से और उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से. तो जितना जितना डिफरेंस होगा, हम जाते हैं आगे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है. ठीक है ना. तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लिथियम है, ठीक है ना, और ये फ्लोरीन है, तो इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है पीरियोडिक टेबल में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा लिथियम और फ्लोरीन के बीच में उसका आयनिक होने का चांसेस ज्यादा है. ठीक है ना. अगर ये नजदीक नजदीक लाइन को, यानी कि बेरिलियम और फ्लोरीन का करें, तो ये अब उतना आयनिक बनने के चांसेस नहीं है जितना लिथियम और फ्लोरीन के बीच में. ठीक है ना. इसी तरह अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो सीजियम के कंपाउंड्स जो होंगे, ठीक है ना, सीजियम के कंपाउंड्स ज्यादा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनकी डिफरेंस इन लोगों से काफी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. तो सीजियम हो, रुबिडियम हो, पोटेशियम हो, इनका जो प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी देन लिथियम एंड सोडियम. तो पीरियोडिक टेबल में जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है ना. सो व्हाट द फर्स्ट कंडीशन, एक मेटल हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और सिर्फ एक नॉर्मल मेटल नहीं, कैन यू, इट्स नॉट लाइक समथिंग लाइक कोबाल्ट, समथिंग लाइक जिंक, समथिंग लाइक मर्करी, इट शुड बी अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है ना. आपके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के. ठीक है ना. उसके बाद आपके पास एक हाईली एक तो आपके पास क्या नेसेसरी कंडीशन है आपके पास आयनिक बॉन्ड बनने की, पहले कि आपका एक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरा एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो. ठीक है ना. ये नहीं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि सारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं. तो क्या सारे के सारे मेटल्स, जैसे कि ये अल्मीनियम है, फॉर एग्जाम्पल आप अल्मीनियम और क्लोरीन को कंसिडर करोगे, क्या इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने का चांसेस है? आंसर इज वेरी लो. व्हाई? बिकॉज ये अल्मीनियम जो है और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है. और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है. समझ रहे हो. तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, उतना ज्यादा चांस है आयनिक बॉन्ड बनने का, एक आयनिक क्रिस्टल बनने का. ठीक है ना. तो फर्स्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज दैट आपके पास जो दो एलिमेंट्स है उनमें से एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है ना. अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को करना क्या है, दिस मेक्स अवर सेकंड कंडीशन, इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन. जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको क्या करना है, इट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. व्हाट इज द एनर्जी इन्वॉल्व उस टाइम पे, किस एनर्जी की हम बात करते हैं जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम आइसोलेटेड फॉर्म में एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. वी यूज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
called ionization energy or ionization enthalpy. ठीक है ना, what is ionization enthalpy? इसका definition तो आपको पता ही होगा. It's the energy absorbed by one mole of isolated gaseous cations, one mole of isolated gaseous atoms, so that every atom loses the most loosely bound electron to form one mole of isolated gaseous cations. ठीक है ना, तो ये तो आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में. तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसको देनी पड़े. फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, ये कब सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, ये कब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब इसको हम एनर्जी दे देंगे तब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ये आपके पास सीजियम है, ठीक है ना, ये कब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब आप इसको एनर्जी दोगे और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब जाके सीजियम पॉजिटिव बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. अपने आप में ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना. कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन है ही क्यों एटम के अंदर, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट एस्केपिंग. इट्स नॉट एस्केपिंग बिकॉज इट्स हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है ना. ये इसको न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है. कैसे पकड़ के रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन है, ठीक है ना. टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. उस एनर्जी को आप बोलते हो नाम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना. तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम देंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. तो फर्स्ट थिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी. तो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव वैल्यू. इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी विल ऑलवेज बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्पीशीज इन ऑर्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गया दूसरी बात. अब हम क्या चाहेंगे, आपके पास जिसको कैटायन बनाना है वो आसानी से कैटायन बनाना चाहिए या फिर उसको बहुत एनर्जी लगनी चाहिए कैटायन बनाने के लिए. तो आप बोलोगे कॉमन सेंस की बात है, हम चाहेंगे कि हम बहुत कम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दें और वो वहां पे एटम आपका कैटायन में कन्वर्ट हो. तो दूसरी कंडीशन क्या है फिर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड आयनिक कंपाउंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है जिसको आप डिनोट करते हो डेल्टा एच आई से, मस्ट बी लो. किसका, of that element, of that atom which is going to form the cation. यानी कि आपका जो electropositive atom involved है उसके पास उसकी ionization energy है वो कम होनी चाहिए. अगर उसकी ionization कम है ना, energy कम है, तो थोड़ी सी energy इसको देनी पड़ेगी, थोड़ी सी system की energy बढ़ जाएगी और उससे वो electron को release करेगा, ठीक है ना. अगर बहुत ज्यादा energy देनी पड़ेगी then the system becomes unstable which is not very very favorable condition for the formation of the ionic bond, ठीक है. उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन दिया, लूज कर लिया. अब इसको आगे जाके जो स्पीशीज है, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज है वो इसको गेन करेगा. फॉर एग्जाम्पल दैट इज वाई. ये वाई जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इट विल बिकम वाई नेगेटिव, ठीक है ना. अगर इसको हम गैसियस में लें और वन मोल कंसिडर करें, ठीक है ना, विच एनर्जी टू हम वी शुड इन्वॉल्व हियर, क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे इन्वॉल्व करें? आंसर इज नो, क्योंकि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज when a given species one when one mole of a given or one mole of atoms gaseous isolated gaseous atoms accept one mole of electrons to form one mole of isolated gaseous anions that is known as electron gain enthalpy or simply electron affinity. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दूसरा एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होनी चाहिए कि हाई होनी चाहिए? हम कहेंगे हाई होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. हाउ डू वी नो कि किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? वो पता चलता है उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू से, ठीक है ना. उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है ये उससे पता चलता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? देखो डेल्टा एच का मतलब हमेशा होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इवॉल्व्ड, ठीक है ना. व्हेन एवर यू यूज डेल्टा एच, व्हेन यू से डेल्टा एच, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड. व्हाट कैन द वैल्यूज बी? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. इस पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब, जिससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है. डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी इवॉल्व या एनर्जी रिलीज, ठीक है ना. उसके सामने एक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 120 किलोजूल्स. व्हाट डज दैट मीन? किलोजूल्स पर मोल होता है. इसका मतलब क्या हुआ? 120 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी ये प्लस है तो हम बोलेंगे 120 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब. अगर आपको बुक पे कहीं पे दिखा डेल्टा एच इज इक्वल टू -393.5 किलोजूल्स पर मोल, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप?
डेल्टा एच का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। कैसे पता चलेगा एब्जॉर्ब है कि रिलीज है? इसके वैल्यू से पता चलेगा। पॉजिटिव होगा तो एब्जॉर्ब है, नेगेटिव होगा तो रिलीज है। तो नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हुआ है उस प्रोसेस का जिसकी भी वो बात कर रहा होगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 393.5 किलो जूल्स। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहे या रिलीज करता रहे? हम चाहते हैं सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता रहे, वो स्टेबल हो जाता है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो वो अनस्टेबल होता रहेगा। तो आयनिक बॉन्ड के बनने की एक नेसेसरी कंडीशन क्या होगी फिर, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो। उसका मतलब क्या हुआ, जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो बहुत सारी एनर्जी वहां पर रिलीज होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी रिलीज हो तो बेहतर है, और अगर रिलीज, अगर आप चाहते हो और कंडीशन को बेहतर करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। अगर वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो आप कहेंगे बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ नेगेटिव वैल्यू नहीं होता, पॉजिटिव वैल्यू भी होता है। जैसे कि आप ऑक्सीजन को जानते हो, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ओ नेगेटिव बनाता है, यहाँ पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये पहला इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो ज्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं होता बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, या हमने पढ़ा होगा आपका पीरियोडिक टेस्टिंग में। ओ नेगेटिव को जब हम एक और इलेक्ट्रॉन देंगे ओ टू नेगेटिव बनाने के लिए, दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबलाइजिंग कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हाईली हाईली पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो एक नेसेसरी कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने के, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, नेगेटिव हो, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो हम कहेंगे डेल्टा एच इन नेगेटिव मस्ट बी डेल्टा एच ई जी, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन मस्ट बी हाईली नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कितनी ज्यादा, क्यों, ताकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो जाए और वो सिस्टम स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो पहली तीन कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ ली है। पहली कंडीशन बनेगा ही कब, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो हाईली और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि पीरियड टेबल में इनका डिफरेंस डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सल्फर और ऑक्सीजन में बनेगा, नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपका सीजियम और फ्लोरीन में बनेगा, आपका पोटेशियम और क्लोरीन में बनेगा, पोटेशियम और ब्रोमीन में बनेगा, वहां पे बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आप नजदीक आप कहेंगे बेरिलियम और फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, क्या इनमें बनेगा, नहीं बनेगा, बहुत नजदीक है पीरियड टेबल के अंदर। तो पहली कंडीशन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों के बीच में बनेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव को क्या करना है, लूज करना इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम चाहेंगे ये कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो इसका मतलब हुआ कि हम चाहते हैं कि डेल्टा एच आई जो हो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो वो कम होनी चाहिए, इट मस्ट बी लो, ठीक है ना। दूसरा स्पीशीज क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वहां पे हम चाहते हैं कि एनर्जी रिलीज हो, वहां पे गेन एनर्जी जो है एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि एनर्जी रिलीज हो, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होगी सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा देन दैट्स अ गुड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो एनर्जी कितनी रिलीज हो, ज्यादा बहुत रिलीज हो, जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतनी ही अच्छी बात है। तो हम बोलेंगे कि आपका जो डेल्टा एच ई जी का वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है, इट मस्ट बी हाईली नेगेटिव। इसको सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज मस्ट बी वेरी हाई। समझ रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के लिए, इनफैक्ट चौथी कंडीशन के लिए। अब सबको पता होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर वन मोल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर वन मोल, ठीक है ना। इट इज द एनर्जी चेंज, ठीक है ना, दीज आर द एनर्जी चेंज विच इन्वॉल्व वन मोल ऑफ द स्पीशीज, जो भी स्पीशीज वहां पे होती है वो वन मोल होती है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि फाइनली जब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आपके पास वन मोल ऑफ कैटायन आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया दूसरे स्पीशीज ने, वन मोल ऑफ आपके पास एनायन आ गया, तो क्या ये दूर दूर ही रहेंगे? आंसर इज नो। जब एक कैटायन और एनायन बन गए, जैसे हमने बार मैग्नेट के केस में देखा, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल स्टिक टुगेदर, दे विल फॉर्म बॉन्ड। तो क्या बनेगा वहां पे, एक आयोनिक क्रिस्टल बनेगा, जिसका भी हमने अभी मॉडल देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एन ए सी एल नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव,
Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive. Na positive, Cl negative, Na positive, Cl negative. ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाता है. अब समझ सकते हो, यहां पे भी Cl और पीछे भी, तो ये पूरा तीन डायमेंशन का एक डब्बा आप इमेजिन करो, वहां पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. जब ये वन मोल्स बनेंगे, ठीक है ना, वन मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल बनेगा, तो हम उस एनर्जी को क्या बोलेंगे जो वहां पे रिलीज होगी. अभी हमने पढ़ा, वी विल कॉल दैट एज लैटिस एनर्जी. ठीक है ना, सो द लास्ट एनर्जी टर्म दैट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज लैटिस एनर्जी, जिसको हम देते हैं बाय डेल्टा एच यू. इट विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो, नेगेटिव होगा ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो आयन्स बने हुए हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं गैसीयस फॉर्म में. जब नजदीक आएंगे आयनिक बॉन्ड बनेगा, फिर ये बहुत नजदीक आएंगे और क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे और सॉलिड बनाएंगे. समझ रहे हो, तो आपके यहाँ पे जो आपका जो क्रिस्टल है वो सॉलिड बनेगा. तो आपका यहाँ पे वन मोल ऑफ आयन्स, सॉरी वन मोल ऑफ आयन्स होंगे, कभी कभी दो मोल ऑफ आयन्स, कभी तीन होंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द क्रिस्टल. लेकिन फाइनली क्या बनेगा, वन मोल ऑफ आपका क्रिस्टल. वन मोल ऑफ क्रिस्टल बनने के दौरान आपका कितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी. उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, विच अ वेरी गुड कंडीशन. तो हम क्या चाहेंगे, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, क्योंकि हमें पता है लैटिस एनर्जी जो है ये एनर्जी रिलीज है. ठीक है ना, ये वो एनर्जी है जो रिलीज होगी. जब रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, जब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो सिस्टम काफी स्टेबल हो जाएगा. तो हम क्या चाहेंगे कि सिस्टम जितनी हो सके एनर्जी को रिलीज करे, यानी कि लैटिस एनर्जी मस्ट बी मैक्सिमम पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल. ठीक है ना, सो हम चार कंडीशंस को रिपीट करते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए दो एटम्स. ठीक है ना, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच आई का वैल्यू पॉजिटिव होगा जो लो होना चाहिए. आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाईली नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के दौरान आपका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के दौरान काफी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. ठीक है ना, और अगर नहीं होते हैं दैट डज नॉट मीन कि आपका कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड अभी भी बन सकता है. उसकी फाइनल कंडीशन क्या है वो हम अभी देखेंगे. और फाइनल टर्म क्या है, लैटिस एनर्जी. कि लैटिस एनर्जी के टाइम पे आपका जब लैटिस बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए. ठीक है ना, अब आप देखिए कि फाइनल कंडीशन क्या होगी. फाइनली हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आयनिक कंपाउंड बने, और आयनिक कंपाउंड बनेगा तब जब एनर्जी सिस्टम की कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी. ठीक है ना, सो डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो लेस देन जीरो होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए. जब नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड. लेकिन किसका, तीनों का मिला के, डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, फिर ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्लस डेल्टा एच लैटिस. ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है ना, तो इन तीनों का मिला के फाइनली इट शुड बी लेस देन जीरो. व्हेन इट इज लेस देन जीरो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा. जितना ये नेगेटिव वैल्यू होगा उतना आयनिक कंपाउंड के बनने के चांसेस ज्यादा है. समझ रहे हो, दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है ना, रिपीट दिस टॉपिक ऑन योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट, देन ऑन एनी रेफरेंस बुक दैट यू हैव. ठीक है ना, एवरी बुक इज अ गुड बुक ऑलमोस्ट. तो आप यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि आज दिन में हमने क्या सीखा. आज दिन में हमने सीखा एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है. ठीक है ना, आपके पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऐसा करने के बाद दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं. वहां पे कैटायन और एनायन बनते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है. ठीक है ना, कैटायन और एनायन तीनों डायमेंशन में अपने अपोजिटली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनिक क्रिस्टल. एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है जिसमें मिलियंस ऑफ कैटायन और एनायन होते हैं. ठीक है ना, उसके बाद हमने सीखा आपका जो आयनिक क्रिस्टल के बनने में तीन एनर्जीज इन्वॉल्व है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
और आपका लैटिस एनर्जी, उनका निचोड़ फाइनली ये होना चाहिए कि फाइनली एनर्जी मस्ट बी रिलीज, ठीक है ना। आपका आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा, लैटिस एनर्जी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड इन्वॉल्व होगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होने की वजह से ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या देखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या इसके पॉजिटिव होने के टाइम पे आयनिक बॉन्ड बन सकता है? आंसर इज यस। इसके नेगेटिव होने के टाइम पे तो ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन पॉजिटिव होगा डेल्टा एच ईजी फिर भी बन सकता है। कब बन सकता है? क्योंकि उस टाइम पे लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होगा, ठीक है ना, या मे बी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो। फाइनली इन तीनों का जो सम है दैट मस्ट बी लेस देन जीरो, व्हेन दैट इज द केस योर आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्मड, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी का लेक्चर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को कैंप प्रेप, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन, हम आयनिक बॉन्ड्स सॉरी कोवलेंट बॉन्ड्स में आयनिक करेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनमें कौन कितना आयनिक होगा, कौन कोवलेंट होगा, क्या ऑर्डर होगा आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का, या फिर आयनिक करेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, कोवलेंट करेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर उसका क्या ऑर्डर रहेगा, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सब डिस्कशन हम अगले एक लेक्चर में या मे बी दो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट मिस देम, पर अगर आपको वो मिस नहीं करना है डू प्रेस द बेल आइकन जो आपके जो इस चैनल पे दिया हुआ है, उससे क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन को आप ऑन रखिए हर तरह की नोटिफिकेशन को, ताकि जैसे ही हम अपना लेक्चर अपलोड करें आप नोटिफाइड रहें और आप हर एक लेक्चर को फॉलो कर सकें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।